उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार ने गठित की कमेटी। वहीं एएसपी और सीओ का ट्रांसफर होगा, इंस्पेक्टर होंगे सस्पेंड, वहीं दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाएगा। हापुड़ के डीएम और एसपी का नहीं होगा ट्रांसफर। आंदोलन के दौरान वकीलों पर लगे मुकदमे वापस लेगी सरकार। बार काउंसिल उपाध्यक्ष अनुराग पांडे ने इसकी जानकारी दी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मांगे यहां पर वकीलों की पूरी हो चुकी है। कई दिनों से वकीलों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा था। जिस तरीके से पुलिसकर्मियों की तरफ से अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आक्रोशित तमाम वकील थे, लेकिन अब इन वकीलों की जो हड़ताल है वो खत्म हो चुकी है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार ने जो कमेटी है वो गठित की है। एएसपी और सीओ का भी ट्रांसफर होगा, जो कि मांग की जा रही थी। और जिन इंस्पेक्टर्स, जो दोषी इंस्पेक्टर्स हैं, उनको सस्पेंड भी किया जाएगा। दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाएगा, ये जानकारी है। हापुड़ के डीएम और एसपी का हालांकि ट्रांसफर नहीं होगा। आंदोलन के दौरान वकीलों पर मुकदमे जो हैं वापस सरकार लेगी। बार काउंसिल उपाध्यक्ष अनुराग पांडे ने इसकी जानकारी दी। तो हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, मोहम्मद ताहिर हापुड़ से जुड़ चुके हैं, वहीं अतुल शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, स्कंदिता मिश्रा लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ गई हैं। सबसे पहले मोहम्मद ताहिर, मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि हापुड़ से इसके विवाद की शुरुआत हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर हड़ताल जो है वो खत्म हो चुकी है, तमाम मांगे मान ली गई हैं। जी आपको बता दो, आज 17 दिन है हड़ताल का। हमारी बार उपाध्यक्ष वैसे सचिव से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों ने अभी कोई लिखित जो है इसमें कोई आश्वासन नहीं दिया है। खाली मौके अनुराग पांडे ने, जो इनके बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने एक लेटर जारी कर जानकारी दी है। हालांकि हापुड़ में भी अभी भी लगातार जो है हड़ताल रहेगी, और आज भी जो अधिवक्ता है वो एक मार्च निकालेंगे, एक मानव श्रृंखला बनाएंगे, और जो है जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचेंगे और पूर्ण ज्ञापन देंगे। जो अधिवक्ताओं का साफ तौर पर कहना है एक ये जो है एक लॉलीपॉप दिया गया है इस मामले को शांत करने के लिए, हमारी हड़तालें खत्म करने के लिए। हालांकि हम जो है अभी भी हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी, और जब तक इन जो उन पुलिस अधिकारियों जो आरोपी पुलिस अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर या उनके सस्पेंशन की कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक हड़ताल लगातार रहेगी और हड़ताल खत्म भी नहीं होगी। हापुड़ में जी, हापुड़ में हड़ताल खत्म नहीं होगी, मोहम्मद ताहिर ये आप जानकारी दे रहे हैं। बहरहाल स्कंदिता हमारे संवाददाता भी जुड़ी है। स्कंदिता, कल तस्वीरें देखी थी, किस तरीके से वकीलों का हड़ताल देखा जा रहा था, वकील हड़ताल पर थे, और इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच में नोकझोंक भी हुई, लेकिन अब यहाँ पर तमाम मांगों को मान लिया गया है और वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है, वहाँ किस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं? क्या आज न्यायिक जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी जाएगी इनकी तरफ से? चली है जहां पर पुलिस के साथ छोटी मोटी नोकझोंक भी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी हम आपको बता दें कि अभी भी जो हड़ताल है वो अभी जारी है। इस वक्त हम फैमिली कोर्ट के बाहर मौजूद है जहां पर हड़ताल जारी है। सुबह हम जब यहां पर आए थे तो ये बोर्ड नहीं लगा हुआ था, लेकिन अभी ये बोर्ड लगा दिया गया है, जहाँ पर इनकी तीन मांगे लिखी हुई है कि पहली हापुड़ लाठीचार्ज की गुनहगारों को बर्खास्त करें, और दूसरी कि वकीलों पर जो मुकदमे दर्ज है उनको वापस लिया जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। यहाँ के जो वकील है उनका कहना ये है साफ तौर पर कि सिर्फ मुँह से बोला है, लिखित में नहीं दिया है, जब तक लिखित में नहीं देंगे तब तक हम जो है हड़ताल जारी रखेंगे। ये इस वक्त हम फैमिली कोर्ट के बाहर मौजूद है जहां पर साफ तौर पर कहा गया है। तमाम वकील लोग भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, जान लेते हैं। सर, हड़ताल कह रहे थे कि खत्म हो गई है। हड़ताल देखिए कहीं खत्म नहीं हुई है, बार काउंसिल का मैसेज आया है कि हड़ताल वो खत्म कर रहे हैं। हम लोग बार काउंसिल की हड़ताल से पहले से हड़ताल पे हैं, और जब तक हम लोग की मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हड़ताल हम लोग की जारी रहेगी, और जब तक वहाँ के DMSSP निलंबित नहीं किए जाएंगे, जब तक अधिवक्ताओं को वहाँ पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा, और जब तक हम लोग का प्रोटेक्शन एक्ट नहीं पास किया जाएगा तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। तो कल कह तो दिया था बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ने कहा था कि किया जाएगा।
जब तक लिखित में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा। बरवली कहने से कुछ नहीं होता, आज कह दिया कल मुकर के कहेंगे हमने तो कुछ नहीं कहा है, तो उनको लिखित में सब देना पड़ेगा। और बार एसोसिएशन के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने जानकारी दी है, उन्होंने कहा है कि अब हड़ताल नहीं होगी। वो सब जो है सरकार के दलाल हैं। अच्छा। और इनकी बातें तब तक नहीं मानी जाएगी, आम अधिवक्ता उनके साथ बिल्कुल नहीं है।